गरीब की सस्ती सवारी भी महंगी हो गई। ट्रेन के किरायों में 2% से 8.5% इजाफा हुआ। इकोनॉमी क्लास के किराए 100 रुपए बढ़ गए। सैलून के किरायों में भी 8% का इजाफा। 50 किलोमीटर तक सफर करने वालों पर इजाफी किराया लागू नहीं होगा। मजीद तफसीलात क्या है राना फाद बताएंगे। जी राना फाद, बताइए इन किरायों के हवाले से। जो सस्ती तरीन सवारी थी रेल ट्रेन, उसको भी जो है वो महंगा कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने आज ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। इंटरसिटी और पैसेंजर ट्रेनों के किरायों में 2 से 8.5% तक जो है वो इजाफा किया गया है। ट्रेनों के इकोनॉमी क्लास में जो है वो 100 रुपए तक इजाफा किया गया है। कराची एक्सप्रेस जो लाहौर से कराची इकोनॉमी क्लास किराया जो था वो 1750 रुपए था, बढ़ाकर 1850 रुपए कर दिया गया है। इस तरह कैबल मेल इकोनॉमी क्लास का किराया जो है वो लाहौर से कराची का 1700 से बढ़ाकर 1800 से कर दिया गया है। बिजनेस एक्सप्रेस एसी स्टैंडर्ड का किराया 6500 से बढ़ाकर 7000 रुपए कराची के लिए कर दिया गया है। पाक बिजनेस एक्सप्रेस लाहौर से कराची इकोनॉमी क्लास का किराया जो है वो उसमें भी 100 रुपए का इजाफा किया गया है। जो 1750 था वो अब 1850 रुपए कर दिया गया है। अकबर एक्सप्रेस जो एसी स्टैंडर्ड लाहौर से कोयटा का किराया जो है वो 2800 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है। अकबर एक्सप्रेस लाहौर से कोयटा इकोनॉमी क्लास का किराया जो है वो 1050 से बढ़ाकर जो है वो 1100 रुपए कर दिया गया है। शाह हुसैन इकोनॉमी का किराया लाहौर से कराची का किराया जो है वो 1800 से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका राना फहद।